हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीडी मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि मैं अब प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो सीरीज प्रिपेयर करने का, या कह सकते हैं कि वीडियो प्लेलिस्ट प्रिपेयर करने का, जिसका नाम है योर क्वेश्चन माई आंसर, दिस वन। ओके, सो पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या जरूरत है, क्यों ये प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, That is why. Okay, so देखिए, being as a teacher या हम कह सकते हैं मैथ्स टीचर, मेरी तो ये प्राइमरी ड्यूटी यही है कि आपकी जितनी भी मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका मैं सोल्यूशन आपको दू, राइट। लेकिन बींग एज ए टीचर मेरी ये ड्यूटी भी बनती है कि कुछ ऐसे सवाल के भी मैं आपको जवाब दू जो आपकी शायद पर्सनल लाइफ से बिलोंग करते हैं, या आपको कुछ ऐसे सवाल जो आपको ना प्रिपेयर करने में या डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने में थोड़ी हेल्प करे। तो इसी क्यों की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाएं। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस प्लेलिस्ट का, देखिए अभी क्या होता है कि जितने भी मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अपने मेरे साथ पर्सनल मैसेज पे शेयर करते हैं, कोई व्हाट्सएप करता है, कोई इंस्टाग्राम करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से बेस्ट उनको आंसर देने का, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके और उस क्वेश्चन को जब उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है तो उस हिसाब से अपनी लाइफ में अपनी प्रिपरेशन को, अपनी जर्नी को अच्छे से कवर कर सके। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है मेरा उनको आंसर देने का। बट अगर यही चीज हम लोग अपनी क्लासरूम में चले, तो क्लासरूम में क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछता है, एक स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर हम लोग क्लासरूम में करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सोल्यूशन सिर्फ उस बच्चे की हेल्प करे, वो सोल्यूशन क्लास में बैठे हुए कुछ और बच्चों की भी हेल्प कर सकता है। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आपके जो मैं सोल्यूशंस देने वाला हूं वो आपकी भी हेल्प कर जाएं, तो कितना ये फ्रूटफुल होगा और कितनी आपकी प्रॉब्लम्स घर बैठे ही सॉल्व की जा सकती है। तो दिस इज माई ओनली ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं कि मेरा क्या मतलब है, किस टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, तो जैसे कि अब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर स्ट्रीम कौन सी लें, सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करें, बुक्स कौन सी लें, राइट, वो उसी में थोड़े से परेशान रहते हैं। करियर ऑप्शंस क्या है मेरे पास, वो इस चीज में परेशान रहते हैं, मैं करियर ऑप्शन क्या लूं, मेरा फ्रेंड तो साइंस स्ट्रीम में जा रहा है, मैं आर्ट्स में कैसे जाऊं, मेरे को आर्ट्स नहीं लेना, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इस तरह की कंफ्यूजन में वो रहते हैं, राइट। इसके अलावा फोकस नहीं हो रहा है, सर स्टडीज नहीं कर पा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं या पढ़ नहीं पा रही हूं, कोशिश पूरी है, दिन रात मेहनत हो रही है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा जैसा मुझे रिजल्ट चाहिए, तो कुछ ऐसे सवाल। इसके अलावा आपके रिलेशन, आप जिस एज में, आप 9th 10th 11th क्लास में हैं या 12th में, मे बी आप कॉलेज में भी हो सकते हैं, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हमने भी फेस करी है, हम अपनी फैमिली से थोड़ा ना कवर्ड थे, हाँ, तो रिलेशन में प्रॉब्लम होना किसके साथ, यहां मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, रिलेशन में प्रॉब्लम लाइक पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स आपकी नहीं सुन रहे या आप पेरेंट्स की नहीं सुन पा रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, यहां पे मैं क्लियर कर दूं, अपने फ्रेंड्स के साथ, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना कि मुझे कैसे से टैकल करना है, कैसे मुझे अपना ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ रखना है या अपने गोल की तरफ करना है, जो भी मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूं उसकी तरफ रखना है, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगा, कोशिश पूरी रहेगी जिसके मैं जो बेस्ट आंसर आपको दे सकता हूं अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंसेस से या कुछ अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज में, या फिर आप कह सकते हैं इस प्लेलिस्ट में। ऑलराइट, अब एक छोटी सी परमिशन मुझे आपसे भी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से शाय होते हैं, वो अपना नाम नहीं लेना चाहते, तो मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि अगर मैं कोई क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूं तो क्या मैं आपका नाम बोल सकता हूं कि इस स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो आई होप ये आपके भी काम आ सकता है। राइट, अगर नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन रेज करूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियसली प्राइवेसी मैटर है, दैट इज द पॉइंट जो मैं चाहता हूं। अब कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए गए हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे आए हैं, राइट, और अगर आपके भी मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, मेरा फोकस नहीं लग पा रहा, या मुझे कोई चाहिए जो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे, जो सब्जेक्ट से ही नहीं कुछ और रिलेटेड बातों से, ताकि आपके डाउट्स दूर हो सके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, और कमेंट सेक्शन तो अवेलेबल है ही। ऑलराइट,
तो आई होप ये प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल हो और काफी आपके जो डाउट्स होंगे मन में उनको सॉल्व कर दे। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊँ। वीडियोस अच्छी लगे या सीरीज अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी करें और उनको भी इनवाइट करें हमारी क्लासेस के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर आपसे, अपने सवालों की तरफ चलते हैं और जो भी आगे के सवाल्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, सोल्यूशन उनके तैयार कर रहा हूँ, उनको जरूर देखें, कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे सवालों में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।